हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस। तो 6 नंबर की कड़ी हमारी चल रही है। 6 नंबर में हम लोग को बस यही चीज करना है, आप लोगों को बता चुका था, और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में बेहतरीन तरीके से करवा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये था कि ए इनवर्स निकालना आप लोग को सीखना था। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का होमवर्क रहेगा, तो इसमें क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। प्रतिलोम दिया है ना, ए इनवर्स बस फाइंड करना है। ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटे सारणिक ए, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन में हम लोग यही करें, देखो ए इनवर्स तो निकाले थे, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, दोनों क्वेश्चन सेम ही है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा बस इसमें डिफरेंस है। इसमें क्या बोल दिया है, सिद्ध कीजिए कि ए इनवर्स बराबर ए, ठीक है। इसमें ये भी पूछ सकता था कि ए इनवर्स बताओ, बोलता है तो हम लोग पूरा इतना ही तो करते, सारणिक निकालते, उपसारणिक निकालते, सहखंड, सहखंडज, प्रतिलोम। अगर इसमें ए इनवर्स बोल देता तो सब चीज करते। इसमें बस बोल दिया ए इनवर्स बराबर ए है बताना, तो बस एक लाइन एक्स्ट्रा दे दिया इसमें कि बताओ भाई ए इनवर्स बराबर ए है। है तो क्वेश्चन ए इनवर्स निकालने का ही ना, तो इसमें आप लोगों को क्या निकालना है, प्रतिलोम। प्रतिलोम मतलब भाई ए इनवर्स, तो ए इनवर्स आप लोग निकालोगे। तो सबसे पहले ना आप लोग क्या करना, सारणिक निकालना। सारणिक 3/3 का कैसे होता है मैं बता दिया, सारणिक निकलेगा यहाँ पे 3/3 का निकलेगा, यहाँ पे देखो क्योंकि 3/3 की कोटि का एक आव्यूह दिया है। सारणिक के बाद आप लोग उपसारणिक निकालिएगा, उपसारणिक ये उपसारणिक निकालना है आप लोग को, ठीक है। उपसारणिक के बाद सहखंड निकालोगे आप, सहखंड निकालना है आपको, सहखंड ये सहखंड निकालोगे, उसके बाद सहखंडज निकालना, सहखंडज और सहखंडज क्या होता है, सखंड का ट्रांसपोज होता है, तो ऐसे बार बार लिखोगे ना तो याद रहेगा। और लास्ट में क्या निकालना है आपको, प्रतिलोम निकालना है। लास्ट में आप लोग को प्रतिलोम निकालना है, ये एकदम रट जाना चाहिए, सोते जागते हमेशा आप लोग को ना बस यही ख्याल होना चाहिए कि बस यही है, बस लाइफ में और कोई नहीं है ये। तो ये करोगे तो आप लोग को ये होमवर्क दिया, ये देखो ऐसे करके मैं होमवर्क लिख देता हूँ मस्त तरीके से, ये आप लोग का है HOME होम, WORK होमवर्क है बच्चा लोग, आप लोग मस्त करना और ऐसा स्माइल डालना, ठीक है। तो ये होमवर्क है, चलो ये वाला क्वेश्चन कराता हूँ। ये भी है, क्या करना है इसको, आव्यू विधि से निम्न समीकरण को हल करो। देखो निम्न समीकरण को जब हल करना आता है, तो इसमें कभी भी क्वेश्चन में जितने चर पद हैं उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। चर पद देखो क्या है, एक्स वाई जेड। तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है, जब कभी भी आ जाएगा निम्न समीकरण को हल करो तो आपको जितना चर है उसकी वैल्यू निकालना है। चर है एक्स, चर है वाई और चर पद है जेड, इन तीनों की वैल्यू हम लोग को निकालनी है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कैसे करते हैं, हम लोग को तो इस टाइप का आव्यू देखने का आदत है, अब ऐसा आ गया तो सर कैसे करना, ध्यान से देखो। तो अब मैं क्या करता हूँ, आव्यू ए लिख रहा हूँ। आव्यू ए कैसे लिखते हैं इस इक्वेशन से, ध्यान से देखो, यहाँ पे जो चर है एक्स वाई जेड उसका गुणांक लिखते हैं, उसका गुणांक, एक्स का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है तो वन है, वाई का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है तो वन है, जेड का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है तो वन है, गुणांक लिखते हैं। एक्स का गुणांक एक, y का गुणांक एक, z का गुणांक एक, ये आया। अब x का गुणांक है 2, चिन्ह सहित लिखते हैं ना, y का गुणांक है यहाँ कुछ नहीं है तो एक, लेकिन चिन्ह के साथ लिखते हैं तो माइनस एक है y का गुणांक, माइनस एक, z का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है तो एक, चिन्ह के साथ लिखते हैं, देखो धन एक है तो ये एक, यहाँ पे देखो x का गुणांक एक चिन्ह के साथ, बाई डिफॉल्ट तो यहाँ प्लस ही रहता है ना। अब y का गुणांक देखो क्या है, 2 नहीं है, चिन्ह के साथ लो माइनस 2 है, और z का गुणांक है 3, इतना बोलो भाई चमका क्या, ये हो गया आव्यू ए निकाल लिया मैं, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, कैपिटल X निकालते हैं। कैपिटल X क्या होता है, जितने चर पद है ना उसको लिखते हैं, इसमें चर पद को लिखते हैं, ये हो गया एक्स वाई जेड, पंक्ति में लिख, पंक्ति में ऐसे करके नहीं कॉलम में लिखते हैं ना, स्तंभ में लिखते हैं, ये हो गया। और बराबर के बाद जो है, उसको हम लोग आव्यू बी बोलते हैं।
आव्यूह भी बोलते हैं, ठीक है, उसको भी हम लोग स्तंभ में लिखते हैं। क्या है? तीन दो दो, तीन दो दो, ये हो गया तीन दो दो। पूरा समझ में आया? जो एक्स वाई जेड का कोफिशियंट है, गुणांक, उसको हम लोग लिख लिए, वो आव्यूह ए कहलाया। जो मेरा चर पद है उसको कैपिटल एक्स में लिख लिए, चर पद है एक्स वाई जेड, और जो बराबर के उस पार है वो आव्यू बी कहलाया, आव्यू बी कहलाया। अब एक्स वाई जेड फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये होता है फॉर्मूला। तो कैपिटल एक्स मालूम है, कैपिटल बी भी मालूम है, ए इनवर्स नहीं मालूम। ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए, यही आप लोग को होमवर्क दिया हूं। तो हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए नहीं, ए इनवर्स मतलब प्रतिलोम, यहां पे भी प्रतिलोम निकालने ही बोला है ये। तो हम लोग यहां पे भी सबसे पहले ए इनवर्स निकालेंगे, तो पहले ए इनवर्स निकाल लूंगा ना मैं, तो ए इनवर्स का गुणा करूंगा फिर मैं बी के साथ, ए इनवर्स का गुणा करूंगा बी के साथ। तो चलो भाई करते हैं, अब क्या कर सकते हैं, छह नंबर का सवाल है तो करना तो पड़ेगा ही। चलो ध्यान से देखो, तो ए इनवर्स मेरे को सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना है। तो ए इनवर्स के लिए सबसे पहले तो सारणिक ज्ञात करते हैं, सारणिक। अब बच्चों थोड़ा डायरेक्ट करूंगा है, ये मैं आप लोग को बता चुका हूं, सारणिक करेंगे। सारणिक ये ए है ना, ये ए का सारणिक, ए का सारणिक। तो देखो क्या है, एक 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 एक, फिर है दो माइनस एक एक, दो माइनस एक एक, फिर है एक माइनस टू थ्री, एक ऋण दो थ्री, ये आ गया। एक बार मिला लो, एक एक एक, दो माइनस एक एक, एक माइनस दो और तीन, ये। अब सारणिक कैसे करते हैं बताया मैं, सबसे पहले धन लिख लो, जहां पे खड़े हो उसको ले लो। तो मैं वन को लिया, अब सामने की पंक्ति और स्तंभ को नहीं लेते, तो जो बचा है उससे ले लेते, माइनस वन वन माइनस टू थ्री। अब ऋण का चिन्ह डाल दो, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जहाँ पे खड़े हो उसको लिख देते हैं, सामने की पंक्ति और स्तंभ को नहीं लिखते, क्या बच गया, दो एक एक तीन, दो एक एक तीन। फिर धन डाल दो, जहाँ पे खड़े हो वहाँ पे लिखो, एक है तो एक लिख दो, सामने की पंक्ति स्तंभ को नहीं लिखेंगे, टू माइनस वन वन माइनस टू, टू माइनस वन वन माइनस टू, ये हो गया। ध्यान से देख लेंगे एक बार, कोई मिस्टेक तो नहीं करे, माइनस वन वन माइनस टू थ्री, कोई बात नहीं, सब सही है, टू वन वन थ्री, ओके ये भी सही है, टू माइनस वन वन माइनस टू, ये भी सही है। आप गुणा कर देंगे, ये तिरियक गुणा ऐसे, ये वन हो गया, माइनस वन इंटू थ्री माइनस थ्री, ये माइनस करेंगे, वन इंटू माइनस टू होता है माइनस टू, माइनस टू, तो माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस वन, टू इंटू थ्री सिक्स, ये माइनस वन इंटू वन वन होता है, प्लस वन, टू इंटू माइनस टू होता है माइनस फोर, और ये माइनस करेंगे, माइनस चिन्ह लगाते हैं। अब माइनस वन इंटू वन है, माइनस वन इंटू वन क्या होता है, माइनस वन, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया। तो क्या आ जाएगा, ये वन इंटू माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन, ये माइनस वन, सिक्स माइनस वन इज फाइव, प्लस ये वन है, माइनस फोर प्लस थ्री इज माइनस थ्री। तो क्या हो जाएगा, वन इंटू माइनस वन माइनस वन, माइनस वन इंटू फाइव माइनस फाइव, और वन इंटू माइनस थ्री माइनस थ्री, तो ये कितना हो गया, पाँच तीन आठ और एक नौ, ऋण में आएगा ये, ऋण नौ आया, ऋण नौ आया, कोई गलती नहीं हुई, एक बार चेक कर लेते हैं, माइनस थ्री प्लस टू सिक्स माइनस वन, माइनस फोर प्लस थ्री, माइनस वन फाइव माइनस थ्री, क्लियर है भाई, सब क्लियर जा रहा है, माइनस वन माइनस फाइव माइनस थ्री, तो हो गया पाँच तीन आठ और एक नौ, ऋण में आया। तो सारणिक आ गया, अब सारणिक के बाद उपसारणिक करेंगे, सारणिक के बाद उपसारणिक, उपसारणिक, उपसारणिक। देखो उपसारणिक में क्या होता है, जहाँ पे हम लोग खड़े होते हैं ना उसको नहीं लेते, यहाँ पे जहाँ पे खड़े थे ना उसको ले रहे थे, और उपसारणिक में सभी को लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक पंक्ति को बस लिए, अब इसमें सभी को लेंगे, तो उपसारणिक हो जाएगा M11। ये देखो मैं यहाँ पे हूँ तो इसको नहीं लूँगा, इसके सामने वाले को इसको नहीं लूँगा, क्या बचा उसको ले लूँगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ हाँ, ये मैं बता चुका हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, माइनस वन वन माइनस टू थ्री। मैं अपने पेड कोर्स में ना आव्यू में 80 न्यूमेरिकल कराया हूँ सब मिला जुला के, है ना, अभिप्सा के आप प्ले स्टोर से अगर
वहाँ से अभिप्सा का ऐप डाउनलोड करेंगे और परचेस करेंगे ना, तो इसको मैं बहुत डिटेलिंग की बात कर रहा हूँ ना, बहुत फेवरेट चीज़ है ये, बहुत फेवरेट, -1, -1, -2, -3, तो कर दो। ये क्या आने वाला है, -3 और ये -1 × -2, -2 होगा, माइनस और माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा -1। ठीक है, बस ध्यान से बस देखते रहना ना, ध्यान से बस देखते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर M12 मतलब ये, तो क्या बचा, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 3 - 1, ये हो जाएगा 5। अब यहाँ पे खड़ा हूँ तो ये कौन सा पोजीशन है, M13 का पोजीशन, 2 × 2, ये क्या होगा, 2 - 1, 1 - 2, तो ये हो जाएगा 2 × -2, 4 हो जाएगा, और -1 × -1, -1, तो -, -, +, हो जाएगा ये -3। ध्यान से देखना, अब इस 2 में खड़ा हूँ, ये 2 वाला पोजीशन क्या है, M21 है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये और ये नहीं लूँगा, तो 1, 1, -2, 3, 1, 1, -2, 3, तो चलो इसको गुणा करो, 1 × 3 = 3, -1 × -2 = तो -2 आएगा, तो -, -, ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 5। क्लियर है क्या, सब सही है ना, 1, 1, -2, 3, क्लियर है, 3 × 3, हाँ ठीक है। M22, देखो ये M22, अब ये वाला नहीं लूँगा, ये वाला नहीं लूँगा, तो क्या बचा, 1, 1, और ये वाला नहीं लूँगा, 1, 3, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 3, तो ये हो जाएगा 1 × 3 = 3, 1 × 1 = 1। ठीक है, आप लोग ध्यान दे पा रहे हो, यहाँ पे था ये और ये नहीं लिया, 1, 1, 1, 3 आएगा, तो 1 × 3 = 3, -1, तो ये 2 आया, M22 की वैल्यू आ गई। अब M23 की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे कर देता हूँ मैं M23 की वैल्यू, M23 मतलब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो ये वाला पार्ट नहीं लूँगा और ये वाला पार्ट नहीं लूँगा, तो क्या बचा, 1, 1, 1, 1, -2, 1, 1, 1, -2, है ना, तो ध्यान से करना ना। तो देखो ये क्या होने वाला है, 1 × -2 = -2, -1 × 1 = ये, तो ये -3 आ गया। ठीक है, ये और ये नहीं करे तो ये क्या आएगा, 1, 1, 1, -2, 1, -2, -2, -1, एकदम क्लियर करके करना है ना। अब M23 हो गया, M23, अब ये क्या होगा, M31, ये M31 करने, 6 नंबर देगा यार, एकदम इजी है, बड़ा है तो क्या हुआ, 12वीं के स्टूडेंट है, गणित के स्टूडेंट है अपन, ये और ये नहीं लेंगे, तो क्या आ गया, 1, 1, -1, 1, 1, -1, 1, तो क्या हो जाएगा, 1 × 1 = 1, तो 1 − 1 × -1 = तो क्या होगा, ऋण और ये ऋण प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 2 आएगा ना, 2 आएगा, ओके ये 2 आएगा, क्लियर है, 1, 1, -1, 1, पूरा सही जा रहा है ना भाई, सही जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं खड़ा हूँ M32 में, ये M32 में खड़ा हूँ, ये यहाँ और ये नहीं लूँगा, तो क्या बचेगा, ये 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, तो अब क्या आने वाला है बताओ, 1 × 1 से करूँगा तो 1 आएगा, 1 × 2 से करूँगा तो 2 आएगा, तो ये -1, क्लियर है, 1, 1, 2, 1, पूरा क्लियर है, 1 × 1 = 1, -2, तो ये आ गया। अब लास्ट M33 यहाँ पे कर दूँ, M33 ये हो गया, M33 क्या होगा, ये और ये नहीं लेंगे, 1, 1, 2, -1, 1, 1, 2, -1, ठीक है, तो M33 क्या आने वाला है, 1 × -1, -1, -2 = 2, तो ये आ गया -3, ये आ गया -3, हो गया उपसारणिक, हो गया। तो प्यार से देखो, आप लोग के लिए ऐसे करके कर देता हूँ मैं, ये उपसारणिक बन गया हमारा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बना, ऐसा एकदम फीलिंग आ रही है कि हाँ भाई हम बड़े हो गए, ये बन गया, क्लियर है, उपसारणिक हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, उपसारणिक के बाद सहखंड करते हैं, सहखंड हम लोग अब करेंगे, कोई बात नहीं, सहखंड इजी है, ये वाला पार्ट मैं मिटा रहा हूँ। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सहखंड करने वाले हैं, ये लास्ट वीडियो है, इतना क्वेश्चन सफिशियंट है, अब सहखंड करने वाले हैं, ये हुआ सहखंड। अब सहखंड का फॉर्मूला आप लोग को मालूम है क्या, ये होता है -1 की पावर i + j और
सारणिक एम आई जे, तो हम लोग ए वन वन करेंगे, तो ये तो प्लस हो जाएगा, आप डायरेक्ट कर रहे हो ना, माइनस वन की पावर वन प्लस वन, तो ये वन हो जाएगा इनटू एम वन वन, क्या है एम वन वन माइनस वन है, तो ये आ गया माइनस वन, ठीक है। एम वन टू, तो ये आ जाएगा माइनस वन, कैसे आया माइनस वन अब नहीं बताऊंगा बच्चों, आई की वैल्यू वन, जे की वैल्यू टू, वन प्लस टू क्या हो गया थ्री, माइनस वन की पावर विषम होता है तो माइनस वन मिलता है। अब एम वन टू देखो ये है फाइव, तो ये हो जाएगा माइनस फाइव, है ना, ये डिटर्मिनेंट में, तो ए वन थ्री, ए वन थ्री तीन और एक चार हो जाएगा, तो ये प्लस आएगा और ये हो गया माइनस थ्री, माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री, है ना, बस ध्यान से देखते रहना। अब ए टू वन, ए टू वन दो और एक तीन होता है, तो ये ऋण एक आएगा, एम एम टू वन ये फाइव है, ये फाइव है, तो ये हो जाएगा माइनस फाइव, ठीक है। अब ए टू टू देखो, ए टू टू तो ये टू प्लस टू फोर है, मतलब प्लस वन आएगा, सारणिक एम टू टू कहाँ है, ये टू, तो टू इंटू वन क्या आएगा, टू इंटू वन टू, बस आ गया यार, है ना। इसके बाद क्या है, ए टू थ्री, ए टू थ्री तीन और दो पाँच, मतलब ऋण एक आएगा, एम टू थ्री कहाँ है, एम टू थ्री है माइनस थ्री, माइनस थ्री, तो ये कितना आ गया, माइनस और माइनस प्लस, तो ये तीन आ गया, ए थ्री वन, है ना, ए थ्री वन, ए थ्री वन तीन और एक चार, मतलब वन आएगा, इंटू एम थ्री वन कहाँ है, ये एम थ्री वन की वैल्यू क्या है, एम थ्री वन की वैल्यू है टू, हाँ वैल्यू है टू, तो ये टू। अब एम थ्री टू, तीन और दो पाँच, मतलब माइनस वन आएगा, तीन दो पाँच, तीन दो पाँच, माइनस वन की पावर पाँच, है ना, एम थ्री टू, ठीक है ये माइनस वन है, तो माइनस वन इंटू माइनस वन वन, और ये हो जाएगा एम थ्री थ्री, एम थ्री थ्री तीन और तीन छः हो जाएगा, तो मतलब माइनस वन की पावर छः सम है, तो ये धन एक आएगा, गुणा एम थ्री थ्री कहाँ है, माइनस थ्री, माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा ये माइनस थ्री, ये आ गया, ये सहखंड आ गया, ये सहखंड आ गया, ध्यान से देखो, ध्यान से देख लो एक बार, यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, माइनस वन ओके, माइनस फाइव ओके, थ्री ओके, माइनस फाइव ओके, ये टू, हाँ टू, उसके बाद क्या है, थ्री, थ्री है, उसके बाद टू, उसके बाद वन, फिर माइनस थ्री, क्लियर है क्या, क्लियर है बोलो, हाँ या ना बोलो भाई, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या बोलो, क्लियर है, कोई गलती तो नहीं हुई है, कोई गलती तो नहीं हुई है हमसे, है ना, बहुत ध्यान से देखना इसको, एक गलती ना पूरा ख़त्म कर देगा, अब रट के तो आए नहीं हैं, रट के तो आए नहीं हैं हम लोग, ठीक है, तो चलो ये सही है, तो ये सहखंड हो गया। अब सहखंड क्या आया हम लोग देख लेते हैं, सहखंड हमारा क्या आया है इसको देख लो, माइनस वन माइनस फाइव माइनस थ्री, माइनस वन माइनस फाइव माइनस थ्री, फिर माइनस फाइव टू, माइनस फाइव टू, माइनस फाइव टू और ये थ्री, ठीक है, टू वन माइनस थ्री, टू वन माइनस थ्री, ये आ गया, ये क्या आ गया, सहखंड आया है, ये आ गया सहखंड, सहखंड आया, सहखंड। अब सहखंडज, सहखंडज का मतलब होता है सहखंडज, इसका ट्रांसपोज होगा, ट्रांसपोज उसी को एडजॉइंट ऑफ ए बोलते हैं, इसी का ट्रांसपोज मतलब पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, तो माइनस वन माइनस फाइव माइनस थ्री पंक्ति में है, तो माइनस वन माइनस फाइव माइनस थ्री, माइनस फाइव माइनस फाइव टू थ्री, और ये क्या है, टू वन माइनस थ्री, टू वन माइनस थ्री, ये आया, ये आया। अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होगे ना, तो यहाँ पे का एक ट्रिक जो है ना, मैं सारणिक में आप लोगों को बताऊंगा, सारणिक में बताऊंगा, अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होगे तो उप सारणिक और सारणिक का मान सेम है, सिर्फ चिन्ह का कहीं 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 पे फर्क है, देखो ये माइनस वन है, ये देखो माइनस वन, ठीक है, यहाँ पे फाइव है माइनस फाइव, यहाँ पे माइनस थ्री है वैसे ही माइनस थ्री उतर गया, यहाँ पे फाइव है वो माइनस फाइव, यहाँ पे टू है, यहाँ पे टू है ये टू वैसे उतर गया, यहाँ पे माइनस थ्री है तो यहाँ प्लस थ्री हो गया, यहाँ पे टू है तो यहाँ पे भी टू हो गया, अब यहाँ पे माइनस वन है तो यहाँ पे वन हो गया, अब यहाँ पे माइनस थ्री है तो यहाँ पे माइनस थ्री है, क्यों ऐसा हो रहा है ये सारणिक में हम लोग बताएंगे, तो एडजॉइंट ए आपका हो गया। एक्चुअली बताऊँ ये क्यों होता है कि देखो
एक और एक जो सम है, ये जो एक धन है क्या हो गया, सम, सम है ना, तो सेम उतार दो, सम है तो सेम उतार दो। देखो एक और एक सम हुआ माइनस वन, वैसे उतार दिया। और जो विषम है ना, एक और दो विषम है, विषम है तो बस ऋण ऋण कर दो, बस ऋण कर दो। ये देखो ये सेम होगा पहला वाला, दूसरे में ऋण लग जाएगा, तीसरा वाला सेम होगा चौथे वाले में ऋण लग जाएगा, पांचवा वाला सेम होगा छठवें वाले में ऋण लग जाएगा, तो ऋण और ऋण धन हो जाएगा। फिर उसके बाद वाला सेम होगा, फिर उसके बाद में ऋण लग जाएगा, फिर उसके बाद वाला सेम होगा, सारणिक में बात करेंगे। तो ये आ गया, तो हमारा क्या आ गया, वन माइनस फाइव माइनस थ्री, माइनस फाइव टू और थ्री, टू वन माइनस थ्री। और इसका हम लोग क्या लीजिए, एड ज्वाइन मतलब इसका ट्रांसपोज। तो पहली पंक्ति को मैं स्तंभ में कर दिया, तो माइनस वन माइनस फाइव माइनस थ्री, माइनस फाइव टू थ्री, टू वन माइनस थ्री, एड ज्वाइंट आ गया। अब हम लोग को ए इनवर्स चाहिए, ए इनवर्स चाहिए है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, फिर इसको मैं हटाता हूँ, और आप लोग को तो मालूम है मेरे को ये हटाने का मन नहीं करता, पर आप लोग को अच्छे नंबर भी दिलाना है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि मैं हटाऊँगा नहीं तो सॉल्व कैसे करूँगा आगे, और मैं ही सॉल्व नहीं करूँगा तो मेरे स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये सब को सोचते सोच के विचार करके इन लोग को हटा देता हूँ, ठीक है। चलो घबराने का नहीं, ये लो भाई ये आया। अब चलो ध्यान से देखो, अब मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, अब मेरे को क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए, ये एडजॉइंट ए है, एडजॉइंट ए माइनस वन माइनस फाइव टू, ये एडजॉइंट ए माइनस फाइव टू वन माइनस थ्री, थ्री माइनस थ्री, एडजॉइंट ए बटे 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 क्या है, सारणिक। और सारणिक मेरा कितना है, माइनस नौ आया था, ये माइनस नौ। तो ये ए इनवर्स, अब ये माइनस नौ का ना, माइनस नौ का क्या करूँगा, सब में सभी अवयव में भाग करूँगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एक बटा माइनस नौ, तो ऋण और ऋण कट जाएगा तो एक बटा नौ। ये कितना होगा, ऋण और ऋण कट जाएगा तो पाँच बटा नौ। ये क्या है, दो बटा, तो ये माइनस को ऊपर कर दो, लिख सकते हैं ऋण और ऋण कट जाएगा पाँच बटा नौ, दो बटा माइनस नौ, एक बटे माइनस नौ, ठीक है। यहाँ पे माइनस नीचे लिखो या ऊपर लिखो कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस कट जाएगा तीन बटा नौ, और ये माइनस तीन बटा नौ, और ये तीन बटे नौ। क्या किया मैं, ध्यान से देखो, माइनस नौ को सभी अवयव के साथ क्या किया, डिवाइड किया दिया, तो ये माइनस एक का माइनस और माइनस नौ का माइनस माइनस कट गया तो एक बटे नौ, ये हो जाएगा पाँच बटे नौ, माइनस दो बटे नौ, पाँच बटे नौ, माइनस दो बटे नौ, एक बटे माइनस नौ या माइनस एक बटे नौ, ठीक है। और ये हो जाएगा तीन बटे नौ, ये हो जाएगा माइनस तीन बटे नौ, तीन बटे नौ। तो ये ए इनवर्स आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, ये करना है ना, तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अब ये ए इनवर्स का मल्टीप्लाई बी से करेंगे, आंसर आ गया। ए इनवर्स क्या है, एक बटा नौ, पाँच बटा नौ, माइनस दो बटा नौ, माइनस दो बटा नौ, पाँच बटा नौ, पाँच बटा नौ, माइनस दो बटा नौ, और ये माइनस एक बटे नौ, फिर क्या है, तीन बटे नौ, तीन बटे नौ, माइनस तीन बटे नौ, और ये हो जाएगा तीन बटे नौ। ये इसका गुणा किससे करूँगा मैं, बी के साथ। बी क्या था मेरा, तीन दो दो, तीन दो दो, तीन दो दो। अब इसको आप लोगों को गुणा करना है, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, बस पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है। तो अभी मैं इसको ध्यान से देखो मिटा रहा हूँ, फिर आप लोग को होमवर्क दे दूंगा, मैं आप लोग को होमवर्क दे दूंगा, तो पूरा ध्यान से देखना, लास्ट स्टेप में आ गया हूँ मैं। चलो अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, गुणा कर रहा हूँ। तो देखो कैसे करते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो एक बटे नौ का गुणा तीन से होगा, एक बटे नौ का गुणा तीन से, एक बटे नौ का गुणा तीन से, फिर क्या करते हैं हम लोग, प्लस करते हैं, पाँच बटे नौ का गुणा दो से, पाँच बटे नौ का गुणा दो से, फिर माइनस दो बटे नौ का गुणा दो से, माइनस दो बटे नौ का गुणा दो से, ये हो गया पहले वाले का काम, पहली पंक्ति पहला स्तंभ खत्म हो गया, पहली पंक्ति पहला स्तंभ खत्म हो गया, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये हो जाएगा पाँच बटा नौ, पाँच बटा नौ गुणा तीन, फिर इसका गुणा इसके साथ माइनस, यहाँ पे प्लस डालो, तो ये माइनस दो बटा नौ का गुणा किससे होगा, दो से, प्लस माइनस एक बटा नौ का गुणा होगा दो से, ठीक है।
दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, अगर और स्तंभ होता है तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ भी करते। 5/9 -2/9 -1/9, 3, 2, 2। अब क्या करेंगे, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये हो जाएगा 3/9 × 3 + −3/9 × 2 + इसका गुणा इससे, तो 3/9 × 2। अब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, काट कुटा के जो भी आएगा इसमें। और यहाँ पे क्या चल रहा है, ये x है ना, तो ये चल रहा है xyz, यहाँ पे चल रहा है पूरा xyz। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, xyz। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे ना, पूरा सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ पे कुछ वैल्यू, यहाँ पे कुछ वैल्यू। तो जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वो x की वैल्यू होगी, जो यहाँ पे आएगी वो y की वैल्यू, जो यहाँ पे आएगी z की वैल्यू। तो ऐसे करके मैं ओवरऑल कराया, आप लोग को छोटा सा बस कैलकुलेशन करना है। तो ये हो गया बच्चों, और यहीं पर मैं अध्याय को भी समाप्त करता हूँ। अब नए अध्याय सारणिक में मिलूंगा, थोड़ा सा बड़ा जरूर था लेकिन 6 नंबर भी तो देगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नए अध्याय के साथ, तब तक थैंक यू सो मच, आप लोग पढ़ते रहिए।